इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में पिछले दिनों बंदूक की दुकान में चोरों ने धावा बोला। आरोपियों ने बंदूक की दुकान के अंदर से 12 बोर की दो बंदूकों के साथ कुछ कारतूसों पर हाथ साफ किया था, जिसकी कीमत करीब 70,000 बताई गई है। वहीं एसपी विजय खत्री ने तुरंत टीम का गठन करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महज 24 घंटे के अंदर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिनांक 13 तारीख की रात में थाना कोतवाली के अंतर्गत रानीपुरा मेन रोड पर हकीमुद्दीन की जो शस्त्र बेचने की दुकान है, गन हाउस है, वहाँ पर शटर उचका करके और चैनल के तीन ताले तोड़ करके नकबजनी हुई थी। और उस चोरी में 2 12 बोर की बंदूकें, हाई क्वालिटी की चोरी चली गई थी। 14 तारीख की सुबह 3:30 बजे करीब थाने में सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस तत्काल हरकत में आई। पुलिस ने तत्काल पूरे इलाके की घेराबंदी की तो यह ज्ञात हुआ कि चोर 3 या 4 की संख्या में थे और वहाँ से वो नॉर्थ तोड़ा वाले ब्रिज को पार कर करके राजवाड़ा की तरफ भागे हैं। पुलिस ने इनका पीछा लगातार जारी रखा। चूँकि इस चोरी में 2 फायर आर्म्स चोरी चले गए थे, लिहाजा ये हमारे लिए बहुत ही संगीन और अत्यंत गंभीर प्रकरण बन गया था, क्योंकि हमेशा ही फायर आर्म्स की का उपयोग बदमाशों के द्वारा अन्य गंभीर घटनाओं को कारित करने में किया जा सकता है। इसीलिए एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया, सीएसपी बीपीएस परिहार, टीआई बीडी त्रिपाठी की टीम के साथ ही अपराध शाखा के एडिशनल एसपी श्री गुरु प्रसाद पाराशर और उनकी टीम को भी तत्परता से कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी चोरों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए थे। जयवीर सिंह भदौरिया के नेतृत्व में टीमों ने अच्छा काम करते हुए 24 घंटे बीतने से पूर्व ही 3 चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है और दोनों फायर आर्म्स जो चोरी चले गए थे, मैं एम्यूनिशन के बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। ये एक बहुत ही सराहनीय काम है इंदौर पुलिस का, विशेषकर कोतवाली सर्कल और थाना कोतवाली और जोन 1 का। इसके लिए मैं इनकी सराहना करता हूं और पूरी टीम को 10,000 रुपये के नगद इनाम से पुरस्कृत करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।